यूपी के अमरोहा में स्कूल बस पर फायरिंग हुई है। नकाबपोश बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की है। अमरोहा में सुबह सुबह स्कूली बच्चों से भरी मिनी बस पर फायरिंग की गई। अज्ञात बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने रास्ता रोककर ये फायरिंग की है। छात्रों से भरी स्कूल बस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। देखिए जिस तरीके से ये तस्वीर सामने आई अमरोहा से, जहां स्कूल बस पर फायरिंग का मामला सामने आया। नकाबपोश ये बदमाश बताए जा रहे हैं जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है। कई राउंड फायरिंग यहां पर की गई नकाबपोश बदमाशों द्वारा। अमरोहा से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां देखिए इसको लेकर के अब जांच की जा रही है कि आखिर ये नकाबपोश बदमाश थे कौन। इसको लेकर के भी जानकारी इकट्ठा की जा रही है किस तरीके से यहां पर घात लगाए बैठे थे नकाबपोश बदमाश। तो देखिए कई राउंड फायरिंग की गई है अमरोहा से ये, और अब आपको तस्वीरें भी दिखा देते हैं किस तरीके से यहां पर ये पूरी वारदात हुई है। दो तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, अमरोहा में स्कूल बस पर फायरिंग हुई है, वहीं कई छात्र जो है वो इस दौरान घायल हुए हैं। छात्रों में दहशत भी देखने को मिल रही है, हालांकि ये तस्वीर बहुत कुछ बयां कर रही है। मेरे साथ में अगले से गाड़ी लेकर आ रहा था सुबह 7:40 समथिंग, और जो है 3 मिनटों में रोक के गाड़ी पे हमला करा, तमंचे से फायरिंग करी और कड़े से पत्थरों से गाड़ी पे हमला करा। फिर मैं गाड़ी में रस्सी भगा के उसको मिल गया। कितने बच्चे सवार थे बस में? बस के अंदर 28 बच्चे थे। मेरे साथ में अगले से गाड़ी लेकर आ रहा था सुबह 7:40 समथिंग, और जो है 3 मिनटों में रोक के गाड़ी पे हमला करा, तमंचे से फायरिंग करी और कड़े से पत्थरों से गाड़ी पे हमला करा। फिर मैं गाड़ी में रस्सी भगा के उसको मिल गया। कितने बच्चे सवार थे बस में? बस के अंदर 28 बच्चे थे। और अब आपको खबर बताएंगे राजस्थान के भीलवाड़ा से, जहां पर सड़क पर ही संग्राम मच गया, चाकूबाजी की घटना सामने आई। पूरी खबर क्या है इस रिपोर्ट में देखिए। पार्षद पति को मारा चाकू, बीच सड़क संग्राम, आगजनी और पत्थरबाजी, एम्बुलेंस सहित 3 कारों को फूंका, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात। भीलवाड़ा शहर में चाकूबाजी की खबर आग की तरफ फैली। देखते ही देखते माणिक्य नगर चौराहे के आसपास बड़ी संख्या में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता जमा हो गए। चाकूबाजी में घायल बीजेपी नेता सहित 3 घायलों को एमजी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। वहीं दूसरी ओर हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता मंगला चौक इलाके में आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन करने लगे। देखते ही देखते प्रदर्शन उग्र हो गया। फिर सड़कों पर आग, पत्थर और लाठी डंडों का तांडव देखने को मिला। जानकारी के मुताबिक भीमगंज थाना क्षेत्र में बीती रात कुछ लोगों ने कहासुनी होने पर पार्षद पति पर जानलेवा हमला कर दिया। चाय की दुकान में घुसकर उन्हें चाकू मार दिया और तोड़फोड़ की। चाकूबाजी में पार्षद पति सहित 3 लोग घायल हो गए। पीड़ित के मुताबिक पटाखे चलाने को लेकर कहा सुनी हुई, जिसके बाद उन पर जानलेवा हमला किया गया। मारने की 1-2 घंटे पहले प्लानिंग चल रही थी और सड़नपुर वाले थे। मेरे को एक मिलने वाले ने कहा कि भाई साहब मेरे को कि 2 घंटे पहले सूचना मिल गई कि यार वो हाडा देवेंद्र को निपटाना है। पत्थरबाजी और आगजनी की घटना के कारण माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। वही घटना से पहले का एक सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसमें एक पक्ष दूसरे पक्ष पर हमला करता और उसके बाद पथराव करता नजर आ रहा है। इस मामले में पुलिस ने कुछ संदिग्धों को भी हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। खुद एएसपी पारस जैन ने मोर्चा संभाला हुआ है। एक चाय की दुकान है हाडा जी की, देवेंद्र हाडा जी की, उनकी किसी समुदाय विशेष के लोगों से कोई कहासुनी हुई और उसमें फिर जो उनके चाकू मार दिया, और चाकू जो मारने वालों में से
जो लोग हैं उनमें से एक आदमी को हमने उठा लिया है और बाकी के लोगों को आइडेंटिफाइड करके और टीम लगा करके उठा रहे हैं। पथराव हुआ है, पथराव करने वाले सारे लोगों को आइडेंटिफाइड करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। पुलिस का दावा है कि सब कुछ कंट्रोल में है, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, वो काफी डराने वाली है। मामूली कहासुनी के बाद हत्या की कोशिश और शहर को जलाने की कोशिश, ऐसी नफरती सोच ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सवाल यही कि आखिर भीड़वाड़ा को किसने सुलगाया?